No. Toma. Juan. Juan. आसमान में उड़ने का ख्वाब, पंछियों की तरह उड़ने का ख्वाब, हम सभी ने तो देखे हैं ख्वाब, है ना? जो तुझे पर कभी ये सोचा है कि आसमान में जो पंछी उड़ते हैं उनके उनके पंखों की बनावट कैसे होती है? ख्वाब है, सांचों से बनी बनावट पंखों की, सच्चा और पंखों पे कई सवाल मेरे। कहानी शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का एक गांव, आइयो हिंदुस्तान का एक गांव, रामेश्वर एक गांव हिंदुस्तान का। मेरे अप्पा जैनुल आबिदीन और मेरी अम्मा आशी अम्मा, मेरे अप्पा मस्जिद के इमाम, और मस्जिद से निकलने के बाद रास्ते में हर रोज जो हमको मिलता वो रामेश्वर का मंदिर था। जैसे अप्पा मस्जिद में नमाज पढ़ाते वैसे ही हम रामेश्वर की मंदिर के पीछे परिक्रमा भी करते। मेरे अप्पा मस्जिद के इमाम थे। मैं बड़ी स्कूल पढ़ना चाहता था। हमारे गांव के सामने स्कॉट स्कूल थी। स्कॉट स्कूल में अगर पढ़ना है तो हजारों रुपया फीस है। मेरे अप्पा मस्जिद के इमाम थे। मेरे अप्पा हजारों रुपया कैसा देते? तब मेरी आपा ने अपने जेवर ले और मेरे सामने रख दिए और मुझसे कहा, अब्दुल ये ले जेवर और बेच दे। रामेश्वर में अगर एजुकेशन आएगी तो उन्नति आएगी। मेरी आपा ने कहा, अब्दुल ये जेवर बेच दे, रामेश्वर में अगर एजुकेशन आएगी तो उन्नति आएगी। अरे पूरे रामेश्वर में एक ही अब्दुल है और मैं चाहती हूं कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान कहे कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही अब्दुल है, मेरा भाई। अब आपा के वो जेवर अप्पा ने बेच दिए और मैं स्कॉट स्कूल पढ़ने लगा। स्कूल में मेरे दोस्त मुझे मिले। उनमें मेरा सबसे अच्छा दोस्त बाला और मैं हमेशा साथ बैठते थे। कक्षा में हम हमेशा साथ बैठते, एक दूसरे का डब्बा खाते। पर उस दिन मास्टर ने कहा, अब्दुल तुम यहां कहां बैठे हो? अब्दुल तुम आखिरी कतार में बैठो। मैंने मास्टर से कहा, मास्टर क्यों? मास्टर मैं और बाला तो हमेशा साथ बैठते। मास्टर ने कहा, अब्दुल बाला एक ब्राह्मण है और तुम एक मुसलमान। तुम जाति के उसूल नहीं जानते। तुम जाओ और अगली कतार में एकदम पीछे बैठो। मास्टर की वो बात मुझे माननी पड़ी। मैं कक्षा में जाकर अंतिम कतार में बैठ गया। दूसरे दिन बाला के अप्पा जो महापुरोहित थे क्लास में आए और मास्टर से कहा,
मास्टर जी, मैंने सुना आपने अब्दुल को अंतिम कक्षा में एकदम पीछे बिठाया। पुरोहित जी ने कहा, मास्टर साहब, ऐसा कोई धर्म नहीं जो जो भेद और भाव करता है। अरे शाला तो विद्या का मंदिर होता है और धर्म धर्म तो प्रेम की नींव। ऐसा कोई धर्म नहीं जो भेदभाव कहेगा। मैं महापुरोहित आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब्दुल को पहली कतार में बिठा दो। महापुरोहित के इसरार पर मुझे पहली कतार में बिठा दिया गया। तब मुझे लगा कि मेरे अप्पा जो कहते थे वो गलत नहीं थे। मेरे अप्पा जो हर रोज रामेश्वर मंदिर के सिपाहियों को एक जगह से दूसरे जगह लेके आते थे वो गलत नहीं था। शिवजी और अल्लाह ने मेरे अप्पा की बात सुनी थी। स्कॉट स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मैं एमआईटी गया। एमआईटी मतलब वो यूएसए वाली एमआईटी नहीं, एमआईटी मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के बाद मुझे पहला असाइनमेंट मिला और मेरे प्रोफेसर ने कहा, अब्दुल तुम एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करना चाहते हो बट और तुम्हें स्कॉलरशिप भी चाहिए बट तुम्हारा प्रोग्रेस क्या है? ये असाइनमेंट जो तुमने बनाई है इस मेयर शिट, और तुम फ्लाइट डिजाइन बनाना चाहते हो? आई एम गिविंग यू 2 डेज। अगर 2 दिन के अंदर तुम अपनी सबमिट नहीं कर पाए असाइनमेंट, देन यू आर गोइंग बैक, पैक योर बैग एंड गो टू रामेश्वर। सर ऐसा मत कहिए सर, रामेश्वर मंदिर से यहां आने तक मेरा एक ही फोकस था, आशी माँ और अप्पा का सपना पूरा करना और अपने देश के लिए ऐसा कुछ करना जिस पर सबको फकर हो। सर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इन 2 डेज आई विल गिव यू माई असाइनमेंट। ये बोलने के बाद आई वेंट बैक इन माई रूम। दो दिन मैंने कंटिन्यूअस अपनी असाइनमेंट फिनिश नहीं की। पूरे दिन और रात आई मेड माई डिजाइन, मेड डिस्ट्रॉइड, मेड अगेन डिस्ट्रॉइड। सूरज से आंख नहीं मिली थी मेरी, चांद देखा नहीं था 2 दिन मैंने, बट अपना ड्रीम हासिल करना चाहता था। दो दिन बाद आई वेंट टू द प्रोफेसर एंड टेल हिम, सर दिस इज माय असाइनमेंट, प्लीज चेक। सर ने मेरा असाइनमेंट देखा और कहा, वाह अब्दुल वाह, Your assignment is simply superb. I approve your scholarship in MIT. You can continue aeronautics engineering. Go ahead. MIT से अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने DRDO ज्वाइन किया। वहां पर विक्रम सर मेरे साथ थे और हमारा पहला प्रोजेक्ट था अग्नि। अग्नि एक न्यूक्लियर मिसाइल जो 20 सेकेंड्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर टारगेट को डिस्ट्रॉय करके आएगा। वी इंटेंडेड टू डू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। हेमंत, प्रदीप, आर यू रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट? अग्नि वॉज अबाउट टू लॉन्च। आशी माँ और अब्बा के सपने आज ही पूरे होने वाले थे। ओके लेट्स स्टार्ट। अग्नि टारगेट पर सेट करो। इज अग्नि सेट? प्लीज स्टार्ट। ओके स्टेज 2 एडवांस। अग्नि नहीं, अग्नि अपसेट हो रही है, कम ऑन थोड़ा। नो, ऐसा कोई काम मत करो कि अग्नि किसी को स्मैच कर दे। देखो तुम टारगेट डिस्ट्रॉय कर दो और ऐसी जगह करो कि लोगों को नुकसान नहीं हो। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ अग्नि।
आई हैड टू फेल, सब कुछ खत्म हो गया। आशिमा और अन्ना को बताया हुआ प्रॉमिस, सारे हिंदुस्तानियों को दिया हुआ वादा, सब खत्म हो गया, सब खत्म। एवरीथिंग फिनिश्ड, एवरीथिंग फिनिश्ड। आई वॉज अबाउट टू गो टू रामेश्वर, बट विक्रम सर सेड, वेट अब्दुल वेट, नाकामयाबी हारना नहीं है। अरे नाकामी भी तो हारने के बाद उठो नहीं तो उसे कहते हैं, कम ऑन कम बैक, यू आर अ कलाम, यू कैन डू इट। विक्रम सर की वो बात मुझे याद है, विक्रम सर ने कहा कि नाकामयाबी वो नहीं कि तुम हार जाओ, हारने के बाद फिर से ना उठना नाकामी है। और अब्दुल कभी नाकाम नहीं होगा। विक्रम, प्रदीप, लेट्स स्टार्ट इट अगेन, द सेकेंड टेस्ट ऑफ अग्नि। अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो देर विल बी नो कलाम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे, इफ देर इज कलाम और देर इज नो कलाम, अब पता चलेगा। Target offset, Agni to the target, Agni is coming back, yes! Agni has successfully been tested as first nuclear missile by APJ Kalam. उसके बाद मैं आपका प्रेसिडेंट बना। यू गेव मी लव, आई जैसे ऊपर वाला अल्लाह अपने बच्चों को प्यार देता है, आई गेव यू लव। और फिर वो दिन भी आया, आई वॉज इन MIT शिलोंग एंड सडनली आई फेल्ट अ कार्डियक अरेस्ट एंड आई स्टार्टेड कोलैप्सिंग। People were trying to hold me, but nobody could stop me. All, and I have to die. India has lost its president. मैं एक कुआं हूं नॉलेज का, इल्म का। मैं एक कुआं हूं नॉलेज का, इल्म का। जब मैं मरा तो लोगों ने कहा आर आई पी, रेस्ट इन पीस नहीं, दे सेड RIP, रिटर्न इफ पॉसिबल कलाम, रिटर्न इफ पॉसिबल। कलाम तो एक सोच है, कलाम तो एक नाम है, कलाम मरा कहाँ है, कलाम तो तुम सब में बसा है, तुम सब में कलाम है, तुम में कलाम है, तुम में सुनो, तुम में भी कलाम है। आओ आओ मेरे साथ, आओ, तुम में कलाम है। अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटना। सपने अलग अलग तरीके के होते हैं, पर उन्हें जीना होता है। वो देखो ख्वाहिशों के आसमान में इस तरीके से प्रेम उड़ाया जाता है।